काश मैं उस दिन बुढ़िया को जाने के लिए मना ना करती। आज बुढ़िया चली जाती और मैं आराम से आराम करती। आपको ही बहुत शौक था बहू बनने का, हो गया पूरा? सास फिर बहू बन गई। क्या हो गया? मैं नर्सले सवरा। सास माँ, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? देखना, करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई भाई भाई, सास माँ कंट्रोल कीजिए, बस दो तीन दिन की बातें हो, उसके बाद वो चली जाएंगी। बस करो, अब बहुत हुआ। आपको पैसे सुरजी पैर लागू। रहने दो सुन भाई, ये देखो अभी हमने डॉन को प्रॉमिस किया है कि हम उसकी हेल्प करेंगे, तो करेंगे। भले कुछ दिन बढ़ गए पर थोड़ा सा सहन कर लो। शर्मिला, ए शर्मिला, जा जा, वो डायन क्या बोल रही है देख। हाँ, हरी हरी अप्पा। क्या हुआ? ए हरियाली, इधर आ जरा। ये खुर बैग, ये बैग भर के पैसा है, फिर से एक बार गिन दे। हगू भाई, इतने पैसे कहाँ से लाए आपने? तेरा काम है नौकर का, पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया, काय को जाएगा, ये मेरा काम। तेरा काम जितना मैं बोलूं पैसे को गिनने का। हाँ, आराम से गिनना। उस दिन एक नोट कम पड़ गया। भाई 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 भाई, मैंने उस दिन एक रुपया भी नहीं उठाया हो। मैंने कहा क्या, तूने पैसा उठाया? गिना गिना, डरा मत, गिना। इसको तो मैं दिखा दिया। आपको पता है मैं ना बहुत अच्छे टोटके करती हूँ। टोटका? हाँ, मेरी माँ गांव की सबसे बड़ी टोटके बाजौरत और मैं उनकी बेटी। हम ना लोगों की भलाई के लिए टोटके करते हैं। किसी का कुछ दुखता है, किसी का कुछ ये होता है वो होता है, उसके लिए टोटके छोटके हमको सब आता है। अच्छा, आपके ऊपर गुरु टोटका? नहीं, इतने सारे पैसे हैं, लोगों की बुरी नज़र होती है, आपके ऊपर मैं पैसों का टोटका करती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं टोटका चोटका करने की। मैं एकदम ठीक हूँ, थोड़ा सा करती हूँ ना, बस इतना सा। मैंने कहा ना नहीं, अपना मुँह का मचला और हाथ ज़्यादा। बुढ़िया नहीं मानेगी। कल बातें सुनने में क्या मजा आया? आई का मजा सुमित्रा बहन, नहीं काई का मजा, कल मेरी साड़ी छूट जाती। शर्म हो रही, शर्म ही नहीं है इसके अंदर। मैंने कितनी बार सॉरी बोला है शशि बहन आपको, अभी कर दीजिए माफ। नहीं, मुझे आपका थोड़ा सा गुस्सा ही आया, मुझे वहाँ पर अकेले को छोड़ के आप भाग रही थी, इसलिए मैंने आपकी साड़ी पकड़ी। छोटी क्या, नहीं छोटी ना, अगर छोटी तो बोलना। पता नहीं ये नाटक कब तक चलेगा इनका, मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी जाओ और वो ड्रोन को सब सच बता दूं, कितना मजा आएगा। चलो क्या, चलो चलो। ललिता, कुछ भी कहो, साउथ इंडियन लुक में तुम कमाल की खूबसूरत दिख रही हो। ज्यादा मक्खन मत मारी है, अपने काम कीजिए, पंडित बने हो ना, जाके पूजा अर्चा कीजिए। सच बोल रहा हूँ मेरी श्रीवल्ली, आप भी दिख रहे हो पुष्पराज जैसे। झुकेगा नहीं साला, पहले से ही झुके हुए हो। सॉरी। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया है। कैसा सरप्राइज? पहले आंखें बंद करो, फिर दिखाऊंगा सरप्राइज। ठीक है, करती हूँ। अभी खोलो आंखें। ओ हो हो, गजरा, क्या बात है, कितने सालों बाद आपने मेरे लिए गजरा लाया। ये लो लगाओ, अभी आप ही पहनाइए पुष्पराज। घूमो पीछे। अयो, बाऊ क्या कर रही तू इनके साथ? गुरुजी, क्या चल रहा है आपका मेरी बहू के साथ? इनके गजरे में कीड़ा था तो वो कीड़ा हटा रहा था, मैं गजरा ही फेंक दिया नीचे, ये देखो वो। वो ये निकाल रहे थे उसमें से, वो क्या हरा हरा नहीं होता, ऐसा चलता है। बस बस, खुद कीड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, चाय करो जल्दी, चाय तो तेरा होता ही नहीं। चाहिए, अपने काम कीजिए। गुरुजी, आइए पूजा करते हैं। बड़े आए पुष्पराज, जूते पॉलिश कर रहा हूँ अम्मा जी के। हाँ, क्या दिन आ गए। ओ ओ, यो भाई भाई भी ना, क्या हुआ? आज बर्तन मांजने की आपकी बारी है
बर्तन मांझिए, मुझे ये काम दिया है मैं वो कर रही हूँ। मैं नहीं करने वाला आपको काम, मेरे हाथ दुख गए, जूते पॉलिश किए मैंने अभी। क्या बोला आपने? चुपचाप जाइए और बर्तन मांझिए, मैं कर रही हूँ ना काम। क्या कर रही? पैसे, पैसे गिन रही हूँ। इतने पैसे? अगर इतने पैसे हमें मिल गए तो काम करने की क्या जरूरत है मुझे, हम तो ऐसे ही घूमेंगे। उठाइए मत। कहाँ पे छुपाए थे इतने पैसे? हाँ, कबड़ में, अलमारियों में, तभी बोलता हूँ मैं। इतनी सैलरी आती है, जाती का है? ऐसे छुपा छुपा के रखती हो ना। दो दो बूढ़ी डॉन के पैसे है वो, उन्होंने मुझे गिनने के लिए दिए। अगर एक भी नोट कम पड़ गया तो वो मुझे इस दुनिया से कम कर देंगे। एक बंडल उठाते हैं ना, अभी कहाँ है वो? वैसे भी हमारे घर का फ्री का खा रही है, पी रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बदले में एक बंडल तो बनता है हमारा। लेते हैं, कुछ नहीं होता। भाई बंडल ले रहे पूरा, रखिए नीचे, नीचे रखिए वो। ए प्रवीण, एक ही बंडल उठाया, चार पांच उठाता, एक और लू। कैसा तेरा पति है? माफ कर दीजिए उनको, सारी गलती नहीं की है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पैसे गिन रही थी, ये आए और बंडल उठा लिया। जो भी सजा देनी हो ना आपको, मुझे मत देना, इनको देना। चर्मिला, तो बंडल किसने उठाया? आपने बंडल उठाया तो सजा भी आपको ही मिलेगी। सॉरी सॉरी, गलती हो गई, सॉरी। जल्दी जा सब काम करा। और हाँ, वो शीला, शीला एक नंबर की काम चोरा, उसको भी बोला काम कराने के लिए। आज मैं आराम करूंगी, बहुत आराम। बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सहन कर सकती। क्या बहुत हुआ बुआ? जब से डॉन की अम्मा आई है सबको नौकर बना के रखा है, मुझे तो कुछ ज्यादा ही तंग करती है। मम्मी की तो हालत में ऐसे देख नहीं सकती, और भाभी, भाभी का तो छोड़ ही दो, उनको काम की आदत है, पर मम्मी, मम्मी की क्या उम्र है काम करने की, फिर भी उनसे काम कर रहे हैं। हाँ, मैं भी मम्मी को, पापा को, दादी को ऐसी हालत में नहीं दे सकता। नहीं, अभी बहुत हो गया, हम सबकी पोल खोल कर देंगे। हाँ बुआ, करते ही सबका पर्दाफाश, आप हो साथ तो डरने की क्या है बात। ये बॉयकट, जरा धीरे बोल। शट अप भैया। पापा, आपकी तो मेरे जैसी हालत है। वो कैसे? दीदी भी मुझे ऐसे ही करती है। शट अप, बस फर्क सिर्फ इतना है, आपको ये भैया बुलाती है और ये मुझे शट अप कुत्ते कहती है। कुत्ते को कुत्ता ही कहूंगी ना, तो चुड़ैल को भी चुड़ैल ही कहते हैं। चुड़ैल कहने पे मिर्ची क्यों लगती है? पापा, देखो कैसे बोल रहा है मुझे। शांत बेटा, नालायक हो। ये देखिए, बहुत हो चुका है, अब पानी सिर के ऊपर से जा रहा है। हम ये नहीं सहन कर सकते, आपको करने तो कीजिए उनकी हमाली, हम नहीं करने वाले। ए शीला, ज्यादा हीरोपंती करने की कोई जरूरत नहीं है। सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। वाओ बुआ, ऐसे डायलॉग मेरे सामने मत मार, अपना मुंह चुप रख। मारूंगी मैं डायलॉग, सब मारूंगी। ये देखिए भैया, हर चीज की हद होती है, उन्होंने सेंटीमीटर क्रॉस कर दिया, उनको बस हमको तंग करना है। अब हम नहीं रुकेंगे, हम सच बता देंगे, हो जाने दो जो होना है। अगर ये बात सबको पता चल गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। पापा ने कहा है ना शांत बैठने के लिए, शांत बैठेंगे हम। मैं सच बताऊंगी। क्या कर लेगी? श्रेया प्रसाद। ए, क्या करने वाले हो तुम? ए चलो, वहीं पे रुकिए, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। इसकी ऐसी की त्यासी, जब से आया तब से हमारा रास्ता ही बंद कर दिया घर में जाने का। ए हट। अरे जाने दे, हम खोल दे। श्रेया की दादी की परमिशन चाहिए, उसके बाद ही आप अंदर जा सकती हो। गॉट इट? हमको जरूरी बात करनी है, पोल खोल करनी है अंदर जाके, चल हट। तो मैं क्या करूं? भले ही आपकी बात जरूरी हो, पर आपको श्रेया की दादी की परमिशन लेनी चाहिए, अदरवाइज मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। गॉट इट? मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसके बाद नहीं बोलूंगा। गधेड़े, नहीं हटेगा वो, फेविकोल लगा के चिपक के बैठा है वहां पे। अरे तो कैसा होता है क्या? जरूरी बात करनी है आपको शर्मिला बहन से, बहुत जरूरी है। अगर अभी नहीं बताया तो कभी नहीं बता सकते, अगर अभी मजा नहीं तो कभी मजा नहीं। जाने देना अंदर हमें, कमी ने काले सूट वाले, इसकी तो ब्रांडेड हूँ मैं, ब्रांडेड। पता है ब्रांडेड क्या होता है? सर हो गया इसका ब्रांडेड। आप तो वो भी नहीं हो। अरे मुझे बनना भी नहीं है ब्रांडेड। मेंटल औरत। ए जाने दे हमको अंदर। हाँ जाने दे हमको अंदर। क्यों ऐसा खड़ा है यहाँ पे? नहीं हमने तेरा क्या बिगड़ा है? पापी आदमी, कहाँ खड़ेगा इतना पाप, सुनने नहीं दे रहा बातें हमसे। कल हम वहाँ पे कूद के बातें सुनने के लिए गए थे, इनकी साड़ी छोटी छोटी बची है। कल वनक्कम अम्मा।
आजा आजा बेटा, आके बेटा पंडित जी पूजा कर रहे हैं। मुझे आपसे एक बात करनी है। ए काम चोर लड़की, सबसे पहले तुम काम करो, बाद में बोलो। हाँ शीला, तुमको झाड़ू मारना है और कपड़े धोने हैं और पोछा भी लगाना है। पहले आप मेरी बात सुनिए। लगता है शीला ने कोई बवाल कर दिया, क्या करूं मैं इस लड़की का। ऐसे तो बोल रही है। अरे तूने इसको क्यों रखा काम पे? देखो तो जबाना कैसे चल रही है। आज के काम हुए तेरे? नौकर नहीं हूँ मैं इस घर की, बहुत हूँ आपका। नौकर नहीं तू, फिर कौन है? आपको क्या लग रहा है, दो दिन में आपको आए हुए मालकिन बन गई? असली मालकिन मैं हूँ इस घर की, समझी ना आप? शीला। पापा आप कुछ मत बोलिए। अयो शीला। मम्मी मुझे बोलने दीजिए। अयो सासू माँ की उल्टी गिनती शुरू। लैला तुमने दो दो शादी की? नहीं नहीं, मैंने एक ही शादी की है। हाँ वो शादी उन्होंने मुझे से की है। नाटक था ये सब, आपके बेटे ने करने के लिए कहा था हमको नाटक। मत कर मत कर, फूट गया भांडा, फूट गया भांडा, फूट गया। किसका भांडा फूटा? बेन श्रेया की दादी जो झूठ बोल रही थी उसका भांडा फूट गया। अच्छा रुको मैं चिप्स लेके आती हूँ। चिप और लैला जी, हमारा क्या प्लान हुआ था? आप क्या बोल रही हो? माफ कीजिए संजुला के पप्पा, अभी हमसे और नहीं सहन होता। अयो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गया मेरा प्लान। दौका, बहुत बड़ा दौका तुमने मेरा बहुत बड़ा दौका किया। अम्मा सॉरी अम्मा। तुझे को क्या लगता है मैं पागल हूँ? पता नहीं, वो तो चेक करके बताना पड़ेगा। ज्यादा मत बोलो तो, नहीं तो मैं तुझे को चेक में टकर दूंगी, समझे? धमकी दे रही है मुझे, ये धमकी दे रही, ओ धमकी दे रही मुझे, कुछ कीजिए कीजिए कुछ। सासू माँ तो हम क्या करें, उनके हाथ में बंदूक है, गोली चला दी तो। हाँ मैंने देखा ही नहीं। आपको ये बहुत गंदी आदत है आगे वाले से पंगे लेने की, क्या जरूरत है? जरा उसके हाथ में हथियार देखिए कितना बड़ा है, चल गया तो। वैसे बहुत तुझे को बड़ी स्मार्ट मिली है। थैंक यू बड़ी अम्मा। मैनर्स से सौरभ। सासू माँ आपका हर बार का है, आपको मेरी तारीफ हजम नहीं होती। ठहरे जा बहू, मैं तेरी सास को ही हजम कर देती। ये देखिए आपकी दादागिरी यहाँ पे नहीं चलेगी, ये आपका इलाका नहीं है, ये हमारी किलबिल सोसाइटी है, समझी ना आप? मैं जहाँ पे बैठती वो इलाका मेरा होती है। मैं नहीं बनती, अभी दिखाती। क्या हो रहा है? पता नहीं, पर श्रेया की दादी के घर से आवाज आ रही है, बुढ़िया के आखिरी सांसें चल रही है। उरी बाबा ये बेन, पता है तेरा मुंह अशुभ है, पर कम से कम बातें तो शुभ शुभ कर। बॉडीगार्ड जरा अंदर जाकर देखो क्या हो रहा है। खुद तो जाएगा नहीं, हिलेगा नहीं, उस दिन दो दो चाटे का चटा चट, फिर भी अंदर की औकड़ नहीं गई इसकी। ऐसा ही पड़ रहा है कल से, मुझे तो अंदर भी नहीं जाने देता। सुमित्रा जी वैसे तो आप बहुत कान लगाती हो, आज भी जरा कान लगा के देखिए क्या चल रहा है अंदर। अगर मुझे सुनाई देता तो मैं ऐसे फालतू की बातें करती? ऐसे रहती पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ये खड़ा है ना यहाँ पे, इधर से आता है आवाज, वो थोड़ा सा दिख रहा है ना, पर वो वहाँ पे खड़ा है, मुझे जाने नहीं दे रहा अंदर। वैसे आपको इतनी क्यों चुल मच रही है? दूसरी सुमित्रा बनना चाहती हो क्या आप? मेरे जैसे बनने की कोशिश मत करना, कभी बन नहीं पाऊंगी। और मेरे जैसे बनना हो ना तो सबसे पहले ब्रांडेड होना पड़ता है, क्योंकि मैं ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, मेरा पति ब्रांडेड, बेटा ब्रांडेड, सास नहीं ब्रांडेड, इग्नोर हर। तो मैं सबक क्या चल रहा है, मुझे को बहुत पहले से पता था। तो मैं सबक को क्या लगता है, मुझे को पता नहीं था तुम मेरे पीठ पीछे क्या क्या करते हो। मम्मी सासु माँ सब जानती हूँ मैं, तुम सब की एक 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 बात नोटिस की मैंने, समझे ना? और रही बात वकील साहिबा की, उनको तो मैंने 2 मिनट में पहचान लिया था सूट की वजह से,
सबको ऐसा ही लगता रहा, डॉन तो पागल ही है। पागल नहीं, तुम सबको पागल करने वाली हूँ मैं। आवाज तो आ रहा है बड़ी जोर से। बहुत 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 बड़ा झूठ बोला। मेरे मेरे इमोशंस के साथ अब तुमने कहला, अब तुझे को सजा मिलती। सजा? आपको अगर सजा देनी हो ना, अपने बेटे को दीजिए, वही आए थे हमारे पास। बहू, ससुमा, मैं आपकी साइड से हूँ, मैं आपके बिना कहाँ जाऊंगी? मैं आपकी हूँ, मैं नर्सलिस बहू। सच में तू मेरी लाडली बहू है। अगर आपको सजा देनी हो तो अपने बेटे को दीजिए, वही आया था मेरे पास। उसको तो मैं सजा दूंगी, उसको तो मैं छोड़ने ही नहीं वाली, पर जो तू इसकी गलती में साथ देती वो तेरी सबसे बड़ी गलती होती। गलती करने वाला तो गलत होता ही, पर जो उसका साथ देती वो सबसे बड़ा गलती करती। इसलिए मैं सबसे पहले तुझे को सजा देती। हाँ, क्या करने वाले हो आप? ओह, इस बेटे की पूजा क्या कर रहे? इस पूजा को संभालिए अपने। संभल के